हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में से ही देखा है कि अब मेरे डीडी फ्री डिश पर मुझे स्टार स्पोर्ट फर्स्ट यह चैनल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज सुबह ही मैंने मेरे डीडी फ्री डिश पर एक सेटिंग की है और उसके बाद मैंने मेरे डीडी फ्री डिश पर एक फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है, जिसके बाद अब मुझे मेरे डीडी फ्री डिश पर स्टार स्पोर्ट फर्स्ट यह चैनल देखने को मिल रहा है। यदि आपको भी आपकी डीडी फ्री डिश पर स्टार स्पोर्ट फर्स्ट इस चैनल के मजे लेने हैं, तो उसके लिए आपको भी आपकी डीडी फ्री डिश पर यह सेटिंग करनी होगी और उसके बाद आपको मैंने जो फ्रीक्वेंसी आज की इस वीडियो में बताई हुई है वह फ्रीक्वेंसी आपकी डीडी फ्री डिश पर अप्लाई करनी होगी, जिसके बाद आपको आपकी डीडी फ्री डिश पर स्टार स्पोर्ट फर्स्ट यह चैनल देखने को मिल जाएगा। यदि आपको जानना है कि कौन से वह सेटिंग और फ्रीक्वेंसी जिसके जरिए आप आपकी डीडी फ्री डिश पर स्टार स्पोर्ट फर्स्ट यह चैनल ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा यह वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको डीडी फ्री डिश की एक खास सेटिंग बताने वाला हूँ। उसी के साथ मैं आपको आज के इस वीडियो में स्टार स्पोर्ट फर्स्ट इस चैनल की डीडी फ्री डिश की फ्रीक्वेंसी भी बताने वाला हूँ, जिस फ्रीक्वेंसी के जरिए आप आपकी डीडी फ्री डिश पर इस चैनल को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी वह सेटिंग और फ्रीक्वेंसी जिसके जरिए आप आपकी डीडी फ्री डिश पर स्टार स्पोर्ट फर्स्ट यह चैनल ऐड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हमेशा हमारे चैनल पर डीडी फ्री डिश से रिलेटेड ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताते हैं कि कैसे आप आपके डीडी फ्री डिश पर ऐसे नए चैनल ऐड कर सकते हैं, इसलिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आप तक हमेशा हमारे ऐसे ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप हमेशा ही आपकी डीडी फ्री डिश पर ऐसे ही नए चैनल ऐड कर सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन से वह सेटिंग और फ्रीक्वेंसी जिसके जरिए आप आपकी डीडी फ्री डिश पर स्टार स्पोर्ट फर्स्ट यह चैनल ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जो डीडी फ्री डिश की सेटिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वह सेटिंग यानी कि आपको पहले इस फ्रीक्वेंसी को आपकी डीडी फ्री डिश पर अप्लाई करने से पहले आपकी डीडी फ्री डिश के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना है। यदि आपको पता नहीं है कि आपकी डीडी फ्री डिश के सॉफ्टवेयर को आप कैसे अपडेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यह वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं जो आपको स्टार स्पोर्ट फर्स्ट इस चैनल की फ्रीक्वेंसी बताने वाला हूँ, उस फ्रीक्वेंसी को आपकी डीडी फ्री डिश पर अप्लाई करने से पहले आपको आपकी डीडी फ्री डिश के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप आपकी डीडी फ्री डिश के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आपके रिमोट का मेनू बटन दबाना है। मेनू बटन दबाने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो अब आपको यहाँ पर नीचे सिस्टम सेटअप का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस सिस्टम सेटअप के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सिस्टम सेटअप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो अब आपको यहाँ पर नीचे सॉफ्टवेयर अपग्रेड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों, सॉफ्टवेयर अपग्रेड यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट है, यानी कि आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड के जरिए आपकी डीडी फ्री डिश के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। तो आपको आपकी डीडी फ्री डिश पर मैं जो आज की इस वीडियो में फ्रीक्वेंसी बताने वाला हूँ, वह फ्रीक्वेंसी अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर आपकी डीडी फ्री डिश के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना है, जो कि आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपग्रेड के जरिए कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आप आपके डीडी फ्री डिश के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। तो आपके डीडी फ्री डिश के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपग्रेड में आ जाना है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड में आ जाने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो अब आपको यहाँ पर यदि अपग्रेड मोड में P2M दिखाई दे रहा है, तो उसे आपको आपके रिमोट का वॉल्यूम बटन दबाकर P2P कर देना है, जिसके बाद अब आपको नीचे अपग्रेड टाइप में आ जाना है। अपग्रेड टाइप में आ जाने के बाद अब आपको यहाँ पर यदि ऑल दिखाई दे रहा है, तो उसे आपको वैसे ही रहने देना है, और यदि आपको यहाँ पर अपग्रेड टाइप में कोड या लोगो दिखाई दे रहा है, तो उसे आपको आपके रिमोट का वॉल्यूम बटन दबाकर ऑल कर देना है। यदि आपको कभी भी आपके डीडी फ्री डिश के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पर अपग्रेड मोड में यदि P2M दिखाई दे रहा है, तो उसे आपको P2P कर देना है और नीचे आपको अपग्रेड टाइप में ऑल कर देना है, जिसके बाद अब आपको नीचे स्टार्ट पर आ जाना है। स्टार्ट पर आ जाने के बाद अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक कर देने के बाद अब आपकी डीडी फ्री डिश का सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद अब आपको यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक वेट करना होगा, जिसके बाद आपकी डीडी फ्री डिश का सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपकी डीडी फ्री डिश का सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से अपडेट हो जाने के बाद अब मैं आपको डीडी फ्री डिश की एक फ्रीक्वेंसी बताने वाला हूँ, जिस फ्रीक्वेंसी के जरिए आप आपकी डीडी फ्री डिश पर स्टार स्पोर्ट फर्स्ट यह चैनल ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वह फ्रीक्वेंसी। तो वह फ्रीक्वेंसी आपकी डीडी फ्री डिश पर अप्लाई करने के लिए आपको आपके रिमोट का मेनू बटन दबाना है। मेनू बटन दबाने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो अब आपको यहाँ पर प्रोग्राम सेटअप में आ जाना है। प्रोग्राम सेटअप में आ जाने के बाद अब आपको यहाँ पर ऐड न्यू प्रोग्राम पर क्लिक करना है।
ऐड न्यू प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब आपको यहाँ पर मैं जो फ्रीक्वेंसी बताने वाला हूँ वो फ्रीक्वेंसी सही तरीके से सेम टू सेम टाइप कर देनी है, जिसके बाद आपको इस फ्रीक्वेंसी को आपके डीडी फ्री डिश पर अप्लाई कर देना है, जिसके बाद आपको आपके डीडी फ्री डिश पर स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट ईयर चैनल देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर LNB फ्रीक्वेंसी में 10600 टाइप कर देना है। उसके बाद उसके ठीक आगे भी आपको फिर से LNB फ्रीक्वेंसी में 10600 टाइप कर देना है। उसके बाद अब आपको नीचे ट्रांस फ्रीक्वेंसी में 11551 टाइप कर देना है। ध्यान से सुनिए, आपको यहाँ पर ट्रांस फ्रीक्वेंसी में 11551 टाइप कर देना है। उसके बाद अब आपको नीचे सिम्बॉल रेट में 29500 टाइप कर देना है। जिसके बाद अब आपको नीचे पॉलरिटी में यदि यश दिखाई दे रहा है तो उसे आपको वी कर देना है। पॉलरिटी में वी कर देने के बाद अब आपको नीचे 22K में ऑफ दिखाई दे रहा है तो उसे आपको ऑन कर देना है। जिसके बाद अब आपको उसके ठीक नीचे LNB1 कर देना है। उसके बाद अब आपको नीचे यदि मोड में ऑल दिखाई दे रहा है तो उसे आपको फ्री कर देना है। जिसके बाद अब आपको इस फ्रीक्वेंसी को दोबारा देख लेना है कि आपने यह फ्रीक्वेंसी सही तरीके से टाइप किया नहीं। उसके बाद अब आपको इस फ्रीक्वेंसी को आपके डीडी फ्री डिश पर अप्लाई कर देना है, जिसके बाद आपके डीडी फ्री डिश पर चैनल लोड होने शुरू हो जाएंगे। आपके डीडी फ्री डिश पर पूरी तरीके से चैनल लोड हो जाने के बाद अब आपको आपके डीडी फ्री डिश पर स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट ईयर चैनल भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने जो सेटिंग और फ्रीक्वेंसी बताई है उस सेटिंग और फ्रीक्वेंसी के जरिए आप आपकी डीडी फ्री डिश पर स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट ईयर चैनल ऐड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि हम हमेशा हमारे चैनल पर डीडी फ्री डिश से रिलेटेड ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि कैसे आप आपकी डीडी फ्री डिश पर ऐसे नए चैनल ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।